वो जो घर बना रखे है वो किसको बना रखे है? दिल्ली वाला है ना, वो दिल्ली वाला को है। आओ कोई दो चार दिन ओम जी आओ आजकल तड़के में मन नहीं होता। ये सारा ही नहीं, दिल्ली गुड़गांव और बम्बई वाले आए कि गांव में करोना फैलाएंगे देख लियो। हाँ फैलेंगे, और कोरोना और कितना पेड़ पौधे आज में भाई, ऑक्सीजन ज्यादा हो रही है, निकलना लग रही है। खाना मा कर आख्या मा कर पेड़ पौधे दिख रहे हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं सिकड़ा। ये सच में यह बात तो सही है, ज्यादा हो रही है ऑक्सीजन रिलीज भी, ऑक्सीजन कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खून कर रहे हैं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? और मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ आज एक लकड़ी के हाउस का टूर। पूरा हाउस जो है वो लकड़ी से बना हुआ है, अंदर फर्निश्ड है, मतलब फर्नीचर वगैरह जो भी है ना, किचन काउंटर टॉप ज़्यादातर इसका लकड़ी से है इसका मटेरियल, एक फ्लोर को छोड़ के। और जो रूफ़ है ना उसमें भी मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से बनाया है, गर्म नहीं होगा। तो चलिए आज इस लकड़ी के हाउस का टूर करते हैं। आप लोगों ने नहीं देखा हुआ आज तक, लकड़ी से भी हाउस बन सकता है पूरा कम्प्लीट, दीवारें वगैरह सब कुछ। मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है, बाकी किसी ने देखा होगा तो पता नहीं। चले अंदर और देखते हैं ये हाउस कैसा है। और यहाँ से है इसका एंट्रेंस, एंट्रेंस पे ये गेट लगा रखा है, फार्म हाउस है एक टाइप से, फार्म हाउस पे इस तरीके से बना रखा है इन्होंने। ये देखो यहाँ से हम एंट्रेंस लेंगे, अंदर आते ही ये लेफ्ट साइड में यहाँ पे किचन दी हुई है, ओपन किचन है हॉल में, ये हॉल हो गया, इसके अंदर ये ओपन किचन है। किचन का काउंटर टॉप जो है देखो कितना लंबा है, कितना बड़ा है, मतलब पूरा एक टाइप से पूरा स्पेस जो है ना वो दिया गया है, बहुत अच्छे से आप यूज कर सकते हैं इसको। और यहाँ पर एक यहाँ पर ये लगा रखा है स्टोरेज के लिए, कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे स्टोरेज के लिए, देखो ये बहुत। और ये सब लकड़ी से है। अब इसकी एक चीज और दिखाती हूँ आपको, ये वॉल जो है ना देखो, ये ऊपर बाहर से भी लकड़ी की है, मतलब कम्प्लीट ही लकड़ी का ही है। और यहाँ ये काउंटर टॉप यहाँ पे जो दिया गया है ये बस पत्थर का है, यहाँ पर टाइल्स लगाई है लकड़ी के ऊपर ही पत्थर से। अब चलते हैं इसके रूम दिखाती हूँ, ये 2 BHK है, ये दो रूम लिए हैं यहाँ पे। 2 BHK नहीं है, 3 BHK हो गए। हाँ 3 BHK है, हाँ 3 BHK, भूल गई थी मैं, 3 BHK। अरे यार मैं वो रूम देखे को नहीं, एक रूम ये, एक ये और एक इधर, 3 रूम दिए गए हैं। एक ये कॉमन बाथरूम है, ठीक है। अब यहाँ पे वॉश बेसिन दिया गया है। अब एक रूम ये है, और इसमें भी प्लाई है, ठीक है, और छत भी इनकी प्लाई की है, या तो वो जो दिया करी ना आजकल PVC वगैरह की लगाई ही वहां दे रखी है ना। ये देखो ये इधर चलते हैं, दूसरा रूम है ये, और खूबसूरती देखो इसकी, मेरी तो कोशिश है मैं ऐसा ही बना लूं। अब इसमें ये एक अटैच लेट बाथ दिया गया है, यहाँ पर वॉश बेसिन मतलब वॉशिंग मशीन वगैरह के लिए ये स्पेस बनाया गया है। और इधर ये वॉशरूम देखो, एक ये वॉशरूम हो गया यहाँ पे, एक मैंने बाहर दिखाया था कॉमन है सबका, और एक ये रूम है। इस रूम में बाहर से भी एक ओपन मतलब एक डोर है। अब देखिए कितना खुला सा ये, और ये एक राजस्थान के एक छोटे से गांव में ये फार्म हाउस है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये छोटा सा हाउस टूर का वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे ख्याल से मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है, बाहर से भी ये लकड़ी का है, अंदर PVC वगैरह करवा सही गलत लाल है अंदर से, तो फिर भी मतलब ये जो होती नहीं है मेरे को नहीं पता ये दीवार किस चीज़ की होती है, बनवाते हैं लोग, देखा है मैंने बाहर कहीं पे जाते हैं वहाँ पे, लेकिन बाहर से भी इसका कम्प्लीट लकड़ी से है। तो ढंग से देख लिया ना, देख लियो ढंग से, बाहर से दिखाते हैं इसका लुक। चलो चलें बाहर, ये बाहर देखो ये लकड़ी से है,
ठीक है। और इसके ऊपर ना मिट्टी से लिपाई की गई है, गोबर मिट्टी से। ये देखो इसके ऊपर ना लकड़ी के ऊपर गोबर और मिट्टी की लिपाई की गई है। अब इसके ऊपर गोबर मिट्टी है। अब इसके ऊपर कलर किया जाएगा। और ये एक हटके लुक में है देखो। अभी ये है बाहर से इसका लुक। और आप लोगों को ये दूर से देखने में रेड कलर का दिख रहा होगा, लेकिन मैंने अभी आपको दिखाया था वो एकदम मतलब पास से इसका मैंने शूट किया था। ये गोबर से लिपाई करके और हल्का सा इसमें रेड कलर का पेंट है, लेकिन ये दूर से देखने तो एकदम रेड दिख रहा है देखो। और आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।